मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है। ये अंधेरे से उजाले का सफर है, यह मध्य प्रदेश के विकास का सफर है। कैप्शन के साथ जारी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भाजपा समर्थित सभी विधायक, जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रहे हैं। दरअसल आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल से गरीब कल्याण महाअभियान की शुरुआत करने एवं मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा 20 वर्षों में किए गए कार्यों के रिपोर्ट कार्ड का विमोचन करने मध्य प्रदेश आए हैं। श्री शाह इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सम्मिलित होकर कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसी गरीब कल्याण महाअभियान के तहत लगभग 6 मिनट 49 सेकंड का वीडियो वर्ष 2003 से लेकर 2023 तक मध्य प्रदेश में हुए विकास और बदलाव की कहानी है। भाजपा सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में किए विकास कार्यों और जन कल्याण के कार्यों की तस्वीर के रूप में प्रस्तुत किया है। वीडियो में कांग्रेस के कुशासन और भाजपा के सुशासन का अंतर बताते हुए प्रस्तुतिकरण किया है। वीडियो द्वारा कांग्रेस राज में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और अधोसंरचना विकास के साथ ही कानून व्यवस्था को दिखाते हुए भाजपा सरकार में हुए बदलाव को दिखाया है। 2003 से पहले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। प्रदेश में आतंक और डकैतों का खौफ रहता था। कांग्रेस के राज में नक्सली एक सिटिंग मंत्री की गर्दन भी काट कर ले गए थे। न बिजली थी, न खेतों में पानी। तो वहीं भाजपा सरकार के राज में आज मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम लिख रहा है। बेटियों को वरदान बनाया, नक्सल और सीमी के आतंकों को खत्म किया। मध्य प्रदेश में G20 खेलो इंडिया प्रवासी भारतीय सम्मेलन जैसे आयोजन हो रहे हैं। आज मध्य प्रदेश बिजली उत्पादन, सड़कों के विस्तार में, खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी है। आज 64 लाख घरों तक जल पहुंचा है। किसानों का मान सम्मान बढ़ा है। पेशा कानून लागू कर जनजातीय वर्ग को जल, जंगल, जमीन का अधिकार दिया गया है। नमस्कार। आज हम वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2001-2002 के आसपास। तब मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य माना जाता था। चारों तरफ आतंक और खौफ था। मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में डकैतों का, तो वहीं पूर्वी इलाकों में नक्सलवाद का। तब नक्सली एक सिटिंग मंत्री की गर्दन तक काट ले गए थे। उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, खंडवा सहित कई जिले सिमी के गढ़ बनते जा रहे थे। सड़कें बदहाल थी, हफ्तों तक बिजली गायब रहती और आती भी तो सिर्फ 4 घंटे। इस दौर में 29 नवंबर 2005 को शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने आते ही पहली मीटिंग में अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने कानून व्यवस्था पर जोर दिया और पुलिस ने एक साल में चंबल के डकैतों का सफाया कर दिया, नक्सलवाद खत्म किया, फिर सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। उस समय मध्य प्रदेश में बेटियों को बोझ समझा जाता था, इसके लिए उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, बेटियों की स्कूली शिक्षा पर जोर दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, सड़कों का निर्माण शुरू करवाया और बीमारू से समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर कदम बढ़ाया। 1,25,00,000 लाडली बहनों को मिलते हैं ₹1,000, फिर बढ़ाकर हर महीने देने जा रही है सरकार ₹3,000। 46 लाख बेटियां जन्म से लखपति बनी। साथ में शिक्षा गांव, शहर, देश और विदेश में बिल्कुल फ्री। कन्यादान के लिए 55,000। पुलिस की नौकरी में 30%, टीचर भर्ती और स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण, बुढ़ापे में पेंशन और तीर्थ दर्शन। तभी तो मध्य प्रदेश में बेटियां बनी वरदान। तब बीमारूपन मध्य प्रदेश की पहचान थी और अब प्रवासी भारतीय सम्मेलन, G20 की बैठकें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल जैसे भव्य आयोजनों से मध्य प्रदेश की छवि देश और दुनिया में उज्जवल हुई है। तब हमारी ऊर्जा क्षमता करीब 5,000 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 29,000 मेगावाट से अधिक हो गई है। आज MP के रीवा सोलर प्लांट की बिजली से दिल्ली मेट्रो चलती है।
तब प्रदेश में सिर्फ 60,000 किलोमीटर सड़कें थीं, अब 5,00,000 किलोमीटर से अधिक शानदार सड़कें हैं जो उद्योग धंधे दम तोड़ रहे थे। आज उनमें रौनक वापस लौट आई है। कई किसान अब साल में 3 फसल उगाते हैं। तब और अब का फर्क साफ दिखता है। तब खाद्यान्न उत्पादन मात्र 159,00,000 मेट्रिक टन था, जो अब बढ़कर 619,00,000 मेट्रिक टन हो गया है। तब प्रदेश में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग 12,000 रुपए थी और अब 140,000 है। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन अभियान को मिशन बनाया और शिवराज सरकार ने 4 साल में 64,00,000 से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाया। हरे भरे लहलहाते खेत अब मौसम को नहीं ताकते। तब हमारे किसान साहूकार बैंक लोन और किश्तों के चंगुल में फंसे हुए थे। बैंक डिफॉल्टर का कलंक उनके सर पर था और अब किसानों का मान सम्मान बढ़ा है। आज 80,00,000 से ज्यादा किसानों को मिलते रुपए 12,000 हैं। तभी तो फसल उत्पादन 5 गुना से ज्यादा बढ़ा है। पहले प्राकृतिक आपदा में फसल नुकसान पर बीमा का प्रावधान नहीं था। अब पिछले 3 साल में शिवराज सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि फसल बीमा के रूप में दी गई है। शिवराज सरकार की 18 साल की मेहनत रंग लाई और मध्य प्रदेश के 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। 5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त राशन, 44,00,000 गरीब परिवारों को अपना घर, 6,25,000 गरीब बेटियों का कन्यादान, बुजुर्गों को 3,600 करोड़ रुपए का पेंशन। तब भूमाफियाओं को संरक्षण प्राप्त था। अब अवैध निर्माण करने वालों पर लगातार चल रहे हैं बुलडोजर और वहां गरीबों के लिए सुराज कॉलोनी की योजना बनाई जा रही है। पेसा नियम से जनजाति समाज को जल, जंगल, जमीन का अधिकार मिला है। लगभग 3,00,000 से अधिक पट्टे वितरित किए गए हैं। भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती के बलिदान को मिला सम्मान है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन अब रानी कमलापति का और पातालपानी स्टेशन जननायक टंटिया भील का गौरव गान करता है। बैगा, सहरिया, भारिया परिवार की महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए हर साल 300 करोड़ रुपए देती है सरकार। सीखो कमाओ योजना, लाडली बहना योजना, पिछली सरकार में छात्रों के लिए बंद हुई लैपटॉप योजना दोबारा शुरू की, सीएम राइज स्कूल शुरू होने से क्वालिटी एजुकेशन का नया युग प्रारंभ हो रहा है। 4,26,000 से अधिक बच्चे देश विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और इनकी फीस सरकार भर रही है। फर्स्ट आने पर बच्चों को ई स्कूटी और 70% से ज्यादा मार्क्स लाने पर लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए मिल रहे हैं। तब 2002 में मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, अब हैं 24। आयुष्मान भारत योजना से 3,62,00,000 प्रदेशवासियों को 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। 2,000 से अधिक एम्बुलेंस गंभीर मरीजों, गर्भवती महिलाओं और दुर्घटना के मामलों में संजीवनी का काम कर रही हैं। आज नीतियां स्पष्ट है, नियत साफ, इरादे नेक और दिशा सही है, तभी तो जनता साथ है, तभी एक बीमारू राज्य आज एक बेमिसाल राज्य बन रहा है। यही तो है हमारा मध्य प्रदेश।